येने रितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम काम कामिति देहिने कमला काम सौदाम कण कामुख देहिने। संस्कृत शौर्यम संस्कृत संस्कृतम भारतम आमुख पटलस्य प्रवर्तकाः संचालकाश्च पंडित प्रवराः मदन मोहन झा महाशयाः वेदांत शास्त्रस्य अध्येतारः सुधयः तत्त्वप्रदीपिका ग्रंथस्य मिथ्यात्व विचारः प्रवर्तते। तत्र मिथ्यात्वस्य किमपि लक्षणं न संभवति अथ च मिथ्यात्वे किमपि प्रमाणं नास्ति, अतः लक्षण प्रमाणाभ्याम अनिरूपणीयस्य मिथ्यात्वस्य किमपि स्वरूपं नास्ति। यतस्य वस्तु स्वरूपं लक्षणेन प्रमाणेन च चीयते। तत्र मिथ्यात्व वस्तुने न किमपि लक्षणं न किमपि प्रमाणं, अतः मिथ्यात्वस्य किमपि स्वरूपं नास्ति इति पूर्वपक्षत्वेन ग्रंथकारः पक्षः उपस्थापितः। अतः परं सिद्धांतपक्षं वदन् आचार्यः तत्तावत् मिथ्यात्वस्य निर्दुष्टं लक्षणं उच्यते। न तावत् लक्षणासंभवः अत्रोच्यते। यत्तु पूर्वादीनामयं पक्षः मिथ्यात्वस्य किमपि लक्षणमेव नास्ति तत्रोच्यते न लक्षणासंभवः। लक्षणासंभवः नास्ति लक्षणसंभवति। तच्च किं लक्षणम्? यदि लक्षण प्रमाण के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं है, निश्चय नहीं है, मिथ्यात्व में कोई लक्षण नहीं है, प्रमाण नहीं है, अतः पूर्व पक्ष में ये कहा गया था कि लक्षण और प्रमाण न होने के कारण मिथ्यात्व कोई वस्तु नहीं। तो उसी पर कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लक्षण संभव लक्षण है। किंच तल्लक्षणम् तद्लक्षणम् उच्यते सर्वेषामपि भावानाम् आश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम् अत्यन्त भावं प्रति मृषात्मता। सर्वेषां भाव पदार्थानां ये आश्रयत्वेन सम्मताः तेषु पदार्थेषु यो अत्यन्ताभावः तत् प्रतियोगित्वं
तदाशितस्य मिथ्यात्वम्। जितने भी भाव पदार्थ का आश्रयत्वेन जो अभिमत हैं, उनके में रहने वाला जो अत्यंता भाव तत्प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। जो जिस आश्रय में प्रतीत हो रहा है, जो आश्रयत्वेन सम्मत है, उसी में यदि उस वस्तु का अत्यंता भाव है तो मिथ्या ही होगा। घट का समवाय संबंधेन आश्रय कपाल है, समवाय संबंधेन आश्रयत्वेन अभिमत कपाल है। उसी कपाल में यदि समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगी यदि वो घट है तो वो घट मिथ्या ही होगा। क्यों? जहाँ पर वो समवाय संबंध से है, उससे इतर में समवाय संबंध से रह नहीं सकता है। और उसी में जिसमें समवाय संबंध से है, उसी में यदि समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है, और उस अभाव का प्रतियोगी घट, तो मिथ्या नहीं होगा और क्या होगा। संयोग संबंधेन भूतलादि में जो घट है, वो भूतलादि में जो संयोग संबंध से घट है, उसी घट में संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, घटत्वावच्छिन्न भाव यदि है तो वो घट मिथ्या ही होगा। आश्रयत्वेन अभिमत कहा है, आश्रयत्वेन अभिमत कह देने से यह निश्चित हो गया कि सुक्ति रजत का आश्रय सुक्ति नहीं, परंतु आश्रय न होने पर भी आश्रयत्वेन अभिमत सुक्ति रजत जो प्रातिभाषिक भाव पदार्थ है, उसका आश्रयत्वेन अभिमत जो सुक्ति है, उसमें अत्र रजतम नास्ति, ये अत्यंता भाव है। तद प्रतियोगित्व रजत में, अतः रजत मिथ्या। इसी प्रकार से अन्य दृष्टांत में रज्जु सर्प का आश्रयत्वेन अभिमत जो रज्जु है, उसमें जो विद्यमान अत्यंता भाव अत्र सर्पो नास्ति, उस अभाव का प्रतियोगी सर्प मिथ्या। आश्रयत्वेन अभिमत नहीं कहते तो सुक्ति रजत सुख का आश्रय सुक्ति नहीं, अन्ना तो रज्जु सर्व का आश्रय रज्जु है। परंतु प्रतीति अधिकरणतया, क्योंकि प्रतीति प्रतीयमान अधिकरणता प्रतीयमान जिस अधिकरण रूपेण हो रहा है, उसको आश्रयत्वेन अभिमत मान लेते हैं। वस्तुतः प्रपंच का आश्रयत्वेन अभिमत आत्मा। क्यों? यदि ब्रह्म प्रपंच का उपादान कारण है, तो कारण अपने कार्य में ही रहता है, कार्य में कार्य जो है अपने उपादान कारण में ही रहता है। जिस प्रकार से तंतु उपादान कारण है पट का, और उसी में पट समवाय संबंध से है, और वहाँ पर यदि समवाय संबंधावच्छिन्न परत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता के कहें अभाव मानेंगे, तो पट जो है स्वतः
निराशित होकर के अतात्विक हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। और जो प्रपंच है, यह प्रपंच जिस ब्रह्म में प्रतीत हो रहा है उसमें उसी ब्रह्म में नेह नानास्ति किंचन, यह श्रुति उसका अत्यंताभाव बोधित कर रही है। उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी जो प्रपंच है मिथ्या हो जाए। इस प्रकार से मिथ्यात्व का लक्षण जो भी पदार्थ है, व्यवहारिक पदार्थ है या प्रातिभाषिक पदार्थ है, वो सभी मिथ्या हैं, मिथ्यात्व का लक्षण चला गया। और जो अलीक पदार्थ बंध्या पुत्र आदि हैं, वो कहीं आश्रयत्व नहिमत ही नहीं, उनका कोई आश्रयत्व नहिमत पदार्थ ही नहीं है, जिस में वो आसित होकर के प्रतीत होते हो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं, अतः मिथ्यात्व का लक्षण मिले। ब्रह्म निरवय निराकार है, अतः ब्रह्म का आश्रय कोई नहीं है, अतः ब्रह्म में ही लक्षण नहीं है। इस प्रकार से सर्वेषाम विभावानाम आश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंताभावम प्रतिमृषात्मता, इस कारिका की व्याख्या की गई, और यही मिथ्यात्व का लक्षण। इस परिभाषा का विवरण कर रहे हैं, पटादीनाम भावानाम स्वाश्रयत्वेन विमताः तन्त्वादयः ये तन्निष्ठत्यन्ताभाव प्रतियोगिता तेषां मिथ्यात्व। पटादीनाम भावपदार्थानाम स्वाश्रयत्वेन अभिमताः तन्त्वादयः, ये केचन भावपदार्थाः घटपटादयः तेषां आशयत्वेन अभिमताः तेषां अवयः उपादान कारणम्, तेष्वेव एषु उपादान कारणेषु यदुपादान कारणम् आश्रयत्वेन अभिमतम् तत्रैव तस्य, यदि कार्यस्य अत्यन्ताभावः स्यात् तदा गले पादुका न्यायेन तेषां मिथ्यात्वमेव अस्ति। जिन पटादियों का स्वाश्रय स्व माने पटादि, उनके आश्रयत्व नहिमत जो तंत्वादि हैं, उन तंत्वादि में यदि पट का अत्यंताभाव माना पटादि का अत्यंताभाव स्वीकार कर लिया जाए, तो जो आश्रय हैं, जिन आश्रय में वो प्रतीयमान हैं, उन्हें में यदि उसका अत्यंताभाव हो गया तो वो पदार्थ मिथ्या ही होगा, उसकी कौन स्वरूप है। जो अपने आश्रय में ही नहीं है वो अन्यत्र कहाँ रहेगा, अतः मिथ्याभूत। न तेषाम अन्यत्र सत्ता संभवनी, तेषाम भाव पदार्थानां स्वाश्रय अतिरिक्तेषु कुत्रचित सत्ता तु न संभवति। जो भाव पदार्थ हैं उन भाव पदार्थों की सत्ता स्वाश्रय में ही हो सकती है, स्वाश्रय से अतिरिक्त में तो कहीं सत्ता है नहीं। और यदि तत्रापि चेन्ना स्यात्, यदि यत्र स्वाश्रयः यत् यः स्वाश्रयः तत्रापि तस्य पदार्थस्य यदि अत्यन्ताभावः स्यात् तदा मिथ्यात्वमेव परिवेष्यति।
अतः गले पादुका न्यायेन मृषात्वमेव परिवस्येत न च निराश्रितेषु निराश्रयेषु नित्येषु भावेषु वा नास्ति लक्षणस्य सा नास्तीति लक्षण से अव्याप्ति यदि उच्चेत निराश्रयेषु नास्ति आश्रयः यस्य तादृशेषु नित्यभावपदार्थेषु गगनपरमाणुवादिषु मनः कालादिषु यतस्य ये पदार्थाः नित्याः सन्ति तेषां कुत्रचिदपि आश्रयता नास्ति यतस्य भावपदार्थाः जन्यपदार्थाः एव स्वाश्रयेषु वर्तन्ते नित्यपदार्थाः तु कुत्रचिदपि निरवयत्वात् कुत्रचित् स्वाश्रयेषु नास्ति अतः तेषु लक्षणस्य अतिव्याप्ति अव्याप्तिस्य यतः नित्यपदार्थाः नित्यपदार्थानां कश्चिदुपादानकारणभूतः अवयो न भवति यत्र तस्य आशयता स्वीक्रियेत अतः आशयत्वेन अभिमताः नित्यपदार्थेषु नित्यपदार्थानाम् आशयत्वेन अभिमताः केचनपि न सन्तीति कृत्वा तत्र स्वाश्रयत्वेन अभिमति यावन्निष्ठत्यन्ताभावप्रतियोगित्वलक्षणस्य अव्याप्तिः नित्य पदार्थ जो आकाश आदि हैं वो भी ब्रह्म भिन्न होने के कारण मिथ्या हैं परंतु सर्वेषां विभावानाम् आश्रयत्वेन अभिमते स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व लक्षण उनमें नहीं जाएगा अतः व्याप्ति तदुच्यते ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य कृष्णस्य कार्यतया कारणाश्रितत्वस्य व्यवहारदशायां रजतादेरिव सुप्त्याश्रितायाः स्वीकारात् तदुच्यते ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य कार्यतया ब्रह्म व्यतिरिक्तं किमपि अजन्यम् अनादि नास्ति ये अनादित्वेन अभिमताः आकाशादयः तेषाम् अपि उत्पत्तिः श्रुतौ प्रतिपाद्यते तस्माद्वै तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुत्या आकाशस्यापि उत्पत्ति प्रतिपाद्यते अतः ब्रह्म भिन्नं यावत् प्रतीयमानं कार्यजातं अनित्यमेव अस्ति अतः तेषां स्वाश्रयत्वेन ये अभिमताः अवयवाः तेषु यो अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं सर्वत्रापि तत्प्रतियोगित्वरूपं लक्षणं सर्वत्रापि संगच्छते जो ये कहने वाले हैं यदि ये कहा जाए कि जो नित्य पदार्थ हैं वो निरवयव हैं
अतः आशयत्वेन अभिवत उनका कोई पदार्थ नहीं है। दूसरी बात, आकाश वृत्तता नियामक संबंध से कहीं पर नहीं रहता है, इसलिए स्वाशयत्व नभिमत ही कोई नहीं है, अतः लक्षण की अव्याप्ति हो। तब कह रहे हैं कि ब्रह्म से व्यतिरिक्त जितना भी पदार्थ है वो कार्य होने के कारण कारणाश्रित है, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो उपादान आश्रित होता है। उपादान से उत्पन्न होकर के कार्य उपादान में ही रहता है और उसी में लीन होता है। यदि कहें आप कि जो सुक्ति रहतादि है वो उसका आशयत्वेन अभिमत कैसे होगा, कोई उसका आशय तो कोई है ही नहीं। जो पदार्थ केवल प्रतीति मात्र का विषय है, ऐसा जो सुक्ति रहतादि पदार्थ है उस पदार्थ का आश्रय क्या होगा। उसका समाधान दिया कि व्यवहार दशायां रजतादिव सुत्याशिताया स्वीकारा, व्यवहार दशायां यथा व्यवहारिक रजतस्य आश्रयः रजतवयवः तद्वदेव प्रातिभासिक रजतस्यापि आश्रयत्वेन सुक्ति अभिमन्यत। व्यवहार दशा में रजतादि का भी आश्रयत्वेन सुक्त्यादि को आशिता स्वीकार की जाती है। अतः सुक्ति रजतादि भी स्वाश्रयत्वेन अभिमत अत्यंता भाव का प्रतियोगी हो गया। जिस स्व सुक्ति रजत उसका जो आशयत्व नहिमत सुक्ति उसमें रहने वाला अत्र तम नास्ति उसका प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। नापियति व्याप्ति अलक्षे लक्षणस्य प्रसक्ति रेव अतिव्याप्तिर्भवति। अत्र लक्ष्यभूतः प्रपंचः अलक्षं चात्र ब्रह्म अथ च बन्ध्यापुत्रादिकं अलेख पदार्थः। तत्र ब्रह्मणि अलक्ष्यभूते ब्रह्मणि लक्षणस्य गतिर्नास्ति, अतः अतिव्याप्ति दोष ग्रस्तमिदं लक्षणं नास्ति तदुच्यते नातिव्याप्ति। सत्यस्य ब्रह्मणः निराशयत्वात् सदस्वरूपं ब्रह्म न क्वचिदपि आश्रितमस्ति, अतः स्वाश्रयत्वेन ब्रह्माश्रयत्वेन अभिमतं किंचित नास्ति यन्निष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं ब्रह्मणि संभवेत। सन ये लक्षण की अति व्याप्ति तो तब होती कि अमिथ्यात्व तो अमिथ्याभूत पदार्थ में लक्षण की संगति होती, परंतु अमिथ्याभूत पदार्थ ब्रह्म है उस ब्रह्म में लक्षण की अति व्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म निराशित है निराश्रय है, ब्रह्म का कोई आश्रय नहीं। तो ब्रह्म का यदि कोई आश्रय होता उस आश्रय में अत्यंता भाव ब्रह्म का मान करके तद प्रतियोगित यदि ब्रह्म में जाता तो ब्रह्म अलक्ष्य था, उस अलक्ष्य में लक्षण की संगति होती तो अतिव्याप्ति दोष कहा जाता। सत्य जो ब्रह्म है निराशय है, अतः तस्य तन्निष्ठ
तन्निष्ठ माने आशय निष्ठ तन्ता भाव प्रतियोगिता की शंका ही नहीं की जा सकती। न च परई ही प्रत्येष वृत्तितया वृत्तितया अभ्युगतेषु संयोग शब्दादिषु सत्येष्वपि लक्षणस्य सद्भावादर्थान्तरता। अत्र पुनः आशंकते परई ही नैयायिकादिभिः प्रत्येष प्रदेश वृत्तितया अभ्युगतेषु अव्याप्य वृत्तितया अभ्युगतेषु प्रदेश स्वस्यैव अधिकरणे कश्चित् देशे वृत्तिता कश्चित् देशे वृत्तित्वाभावः यस्य पदार्थस्य स पदार्थः प्रदेश वृत्ति पदार्थः ते च संयोगः विभागः आकाशगुणः आत्मगुणस्य। आकाशगुणः शब्दः केनचित् देशावच्छेदेन आकाशे वर्तते अथ च केनचित् देशावच्छेदेन आकाशे तस्यैव शब्दस्य अभावः। प्रदेशवृत्तित्वं नाम श्वासनिष्ठत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं स्वं संयोगः तदाश्रयः द्रव्यं तस्मिन्नेव द्रव्ये संयोगो नास्ति यो अत्यन्ताभावः तत् प्रतियोगित्वं। तादृशं लक्षणमपि भवद्भिः मिथ्यात्वस्य अभिहितं स्वाश्रयत्वेन विमत अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् एतत्तु सद्रूपेषु भावपदार्थेषु सिद्धमेव अतः अर्थान्तरता अन्यः अर्थः अर्थान्तरता येन लक्षणेन मिथ्यात्वं लक्षयितुं प्रवर्तन्ते भवन्ति। लक्षणेन तु मिथ्यात्वभिन्न सत्यत्वमेव प्रतिपाद्यते। प्रदेश वृत्ति अव्याप्य वृत्ति पदार्थ वो होते हैं जो जिस अधिकरण में रहते हैं उसी अधिकरण में उसका अत्यंता भाव रहता है। जैसे उसी वृक्ष में शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग है और उसी वृक्ष में मूलावच्छेदेन कपि संयोगाभाव अतः संयोग अव्याप्रवृत्ति है। विभाग किसी काष्ट को विभक्त करते हैं तो किसी देश में विभक्त हो गया होता है और किसी देश में अभी विभाग नहीं हुआ होता तो वही उसी द्रव्य में विभाग भी है अविभाग का भाव। इसी प्रकार से शब्द किसी देशावच्छेदेन यदि किन देशावच्छेदेन शब्द आकाश में रहता है और किसी देशावच्छेदेन क्योंकि एक शब्द संपूर्ण आकाश में तो रहता नहीं है किसी आकाश देश में रहेगा किसी में नहीं रहेगा तभी अव्याप्त। आत्मा के गुण जो नव विशेष गुण है वो नव विशेष गुण शरीरावच्छेदेन आत्मा में रहते हैं शरीर अनवच्छेदेन
आत्मा में उन्हीं गुणों का अभाव होता है। अतः जिस आत्मा में आत्मा के गुण हैं उसी और उसी आत्मा शरीरानवच्छिन्न आत्मा में गुणों का अभाव रहता है। अतः भाव पद से यदि आत्मा के विशेष गुणों को लिया जाए तो उनका आश्रयत्व नभिमत आत्मा में ही उन गुणों का अत्यंताभाव रहता है। यह प्रश्न है न च पर प्रदेश प्रत्यवगति संयोगा। तो सत्स्वरूप में भी यदि यह लक्षण चला जा रहा है तो अतिव्याप्ति लक्षण देना चाहिए। कहें अतिव्याप्ति क्यों देंगे, वो तो लक्ष्य स्वरूप है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं दे सकते हैं। अर्थांतरता, अर्थांतरा, अर्थांतरता का तात्पर्य यह है अन्य अर्था अर्थांतरम, जिस मिथ्या जिस लक्षण से आप मिथ्यात्व साधन कर रहे हैं वो सदरूपता स्वीकार जो करने वाले हैं उनके मत में भी अधिगत है। अतः अर्थांतरता दोष इति ना चा। ये जो कहने वाले हैं कि अर्थांतरता दोष होगा ये आप नहीं कह सकते, क्यों? भावाभावयोः एकाधिकरणत्वाभिगमे सर्वत्रैव तथा पत्ते तथा भावापत्ते विरोधस्य जगति दत्त जलांजलि प्रसंगात्। भाव पदार्थस्य अभाव पदार्थस्य यदि एकाधिकरणं स्वीक्रियते तदा सर्वत्रैव भावा तथा भावापत्ते तथैव तथा भावापत्ति सर्वत्रैव स्यात्। यत्र वस्तुनः भावः तत्रैव वस्तुनः भावः स्यात्। अतः भाव विरोधस्य जगति दत्त जलांजि प्रसंगात्, जलांजिता प्रसंगात्। विरोध से कुत्रचित प्रसक्ति रेव न स्यात्। विरोध रूपस्य पदार्थस्य दत्त राम नाम सत्यते दत्त जलांजलि प्रसंगस्य कथमिति। विरोध सर्वत्र भावाभाव मूलक होते, अन्य किमपि मूलम नास्ते। यदि भावस्य तदभावस्य च एकाधिकरणता अभिमन्येत तदा तदमूलकस्य विरोधस्य दत्तांजलि प्रसंगः स्यात्। ये जो आप कह रहे थे कि सत पदार्थों में भी एतादश लक्षण है, अतः ये लक्षण मिथ्यात्व का साधक नहीं हो सकता है क्योंकि इससे तो सत्यता ही सिद्ध होगी। तब बताया कि भावाभाव की एकाधिकरणता यदि स्वीकार कर रहे हैं तो सर्वत्र तादृश भावाभाव एकाधिकरणता स्वीकार कर लेने पर विरोध नाम के पदार्थ की जलम जगत में दत्तांजलि हो जाएगी, परिसमाप्ति ही हो जाएगी। भावाभावयो साक्षात विरोध तदमूलेन नत परिच्छक परिषदाम सम्मतत्वात्। भावाभावयोरेव साक्षात् विरोधः तदमूलेन भावाभावमूलकेन अन्यत्र अभावप्रतियोगिनः
भाव अभाव सर्वत्र भावाभाव मूलकत्वेन नैव विरोधः सर्वत्र प्रसक्त परीक्षकाणां परीक्षक परिषदां परीक्षकाणां याः परिषदाः तासु परिषदास्तु सम्मतमिदं यद् भावाभावयोर्साक्षात् विरोधः तद्मूलकत्वेन अन्यत्र विरोधः। यदि भावाभावयोः एकाधिकरणता स्वीक्रियेत तदा भावाभावयोः यदि विरोधः नास्ति तो अन्यत्र तद्मूलकस्य विरोधस्य दत्तांजलिप्रसङ्गः स्यात्। भाव अभाव का ही साक्षात विरोध है, तदमूलक अन्यत्र विरोध माना जाता है। जैसे तम प्रकाश का विरोध है, तो तम की सत्ता रहने पर प्रकाश की सत्ता नहीं रहती, प्रकाश की सत्ता रहने पर तम की सत्ता नहीं रहती। तो भाव और अभाव इनका साक्षात विरोध होने कारण तदमूलक तम और प्रकाश में विरुद्ध स्वभावता मानी जाती है। यदि भाव और अभाव का एकाधिकरणता मान लें तो वहीं पर तम और वहीं तम का अभाव, वहीं प्रकाश का अभाव तो विरोध है नहीं रहेगा। प्रत्येषोपाधि भेदेन वा तत् विरोध समाधाने भावत्वात्यन्ताभावयोः भिन्नाधिकरणत्वेन लक्षणे तत्र सत्ये कुतः संभवः कुतस्तराम। हाँ, प्रदेशोपाधि भेदेन वा तत् विरोध समाधाने भाव अत्यंताभावयोः भिन्नाधिकरणत्वेन लक्षणस्य तत्र सत्वे कुतः संभवः कुतः संभवः विरोधः कुतश्चराञ्च अव्याप्तिः कुतस्तराञ्च अर्थान्तरता तदेवं न मिथ्यात्व अनिरुक्तिः। प्रदेशोपाधिभेदेन संयोग संयोगात्यन्ताभावः प्रदेशोपाधिभेदेनैव एकस्मिन् अधिकरणे तिष्ठति। यदवच्छेदेन द्रव्ये संयोगः तदवच्छेदेन संयोगः भावः नास्ति। शाखावच्छेदेन वृक्षे कपि संयोगः शाखावच्छेदेन संयोगः भावः नास्ति, अपि तु मूलावच्छेदेन संयोगः भावः। अतः प्रदेशोपाधि भेदेन प्रदेशोपाधि भवतां मते यो भावाभावयोः एकाधिकरणता स्वीक्रियते स च प्रदेशोपाधि भेदेन। यदवच्छेदेन द्रव्ये विभागः तदवच्छेदेन विभागः भावो नास्ति। एवञ्च यद्देशावच्छेदेन आकाशे शब्दः तद्देशावच्छेदेन आकाशे शब्दाभावो नास्ति। एवं शरीरावच्छेदेन आत्मनि गुणाः तत्शरीरावच्छेदेन आत्मनि गुणानामत्यन्ताभावो नास्ति।
अपितु शरीर अनवच्छेद। अतः अस्माकं मते तु स्वाश्रयत्वे नभिमत अत्यंता भाव प्रतियोगित्वं यदुच्यते यदवच्छेदेन स्वाश्रयः तदवच्छेदेन अत्यंता भाव प्रतियोगित्वं तत्र अभिमतम्। अव्याप्य वृत्तीनां पदार्थानां यदवच्छेदेन आश्रयता स्वाश्रयत्वं तदाश्रयत्वेन तदभावत्ता बुद्धिर्न भवति। अतः प्रदेशोपाधिभावेन तद विरोध समाधाने विरोधसमाधानं प्रदेश उपाधि भेदेन भवतां समाधानमस्ति। यत् प्रदेशावच्छेदेन तद्भावः तदभावः तदवच्छेदेन नास्ति इति भावात्यन्ताभावयोः भिन्नाधिकरणत्वेन। अतः भावात्यन्ताभावयोः भिन्नाधिकरणता सिद्धा। यतः भावाभावयोः विरोध भावाभाव एकत्वा एकाधिकरणत्वाभिमते विरोधस्य जलांजलि प्रसंगः स्यात्। अतः भावाभावयोः भिन्नाधिकरणता स्वीक्रियते इति लक्षणस्य तत्र सत्वे लक्षणं तत्र अस्त्येव। लक्षणं तु यदवच्छेदेन यत् यस्य अधिकरणं तदवच्छेदेन तन्निष्ठत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् एतद् लक्षणस्वरूपमस्ति। तच्चास्त्येव यदवच्छेदेन शाखावच्छेदेन यो हि संयोगः तदवच्छेदेनैव अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् अस्माभिः अभिमन्यते। अतः तत्र लक्षणस्य सत्त्वेऽपि सत्ते कुतः संभवः लक्षणस्य सत्ते कुतो असंभवः कुतः संभव इति तद् अंगीकाराभिप्राय। कुतः संभवः अर्थात् अर्थांतरता कुतः संभवः अर्थांतरदोषः कुतः संभवः कुतस्तरांच अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति अलक्षेषु लक्षण संगति अतिव्याप्ति अलक्ष्य भूते आत्मने स्वाश्रयत्वेन अभिमत स्वाश्रयः एव कश्चित् नास्ति। अतः स्वाश्रयत्वेन अभिमत अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं नास्ति। तदेव न मिथ्यात्वा निरुक्तिः एतेन मिथ्यात्वस्य अनिरुक्तिः लक्षणेन अकथनम् अनिरुक्ति। इस प्रकार से मिथ्यात्व का लक्षण संभव नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते लक्षण भी संभव। इस कारिका के द्वारा दोनों कारिकाओं का जो तात्पर्य अर्थ है दोनों एक जैसे लगता है परंतु फिर भी कुछ भिन्नता है। पहला है अतः परम नापि मानासत्वम् इति पूर्वादिना प्रोक्तम् किमपि मिथ्यात्वे मानम नास्ति मानम अनुमान रूपम प्रमाणम्।